दुके पे जिस तरह बंदड़ा आ रहा था माला गालन के टाइम, उसी टाइम हाँ ऊपर भी लेट जी नीचे भी लेट जी। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धड़ौंदा की राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ पे खटकड़ खटकड़ गांव में खड़े हैं भाई। कल यहाँ पर एक लड़की की शादी थी और शादी के दौरान बताऊं भाई बहुत बड़ा हादसा हो गया। आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो एक बैरजा, जो बैरजा टूट रहा है। जिस टाइम फिलहाल यहाँ पर शादी होने वाली थी उसी टाइम फिलहाल बैरजा टूट गया। एक बहुत बड़ा हादसा होया है बताऊं भाई, 25-30 जने का बहुत गहरी चोट आई है। अंदर भी जाऊंगा ऊपर भी जाके दिखाऊंगे, तो मेरे साथ कैमरामैन तो कहूँगा एक बार अंदर है जाओ। फिलहाल हालत देख सकते हो भाई, बहुत बुरी हालत हो रही है बैरजा की। और आपने पूरा का पूरा मकान दिखावांगे, तो साथ में एज ए कैमरामैन फिलहाल ऊपर लेके चलांगे। चल देगा कैमरा, तो फिलहाल देख सको हो एक लेडीज यहाँ पर भी है जिसको चोट आई है। हाँ जी राम राम। सिर में टांग के आए हो जी, ये मेरी मम्मी है जी। अच्छा तेरी मम्मी। इसके पांच लड़की हैं, दो लड़के हैं। अच्छा किस टाइम से की बात है यार? ये 4 बजे की बात है, डुका के टाइम पे। अच्छा हाँ जी, तो नाम कुछ। अच्छा 4 बजे का टाइम था। हाँ जी डुका का टाइम हो रहा था जी। डुके पे जिस तरह बंदड़ा आ रहा था माला गालन के टाइम, उसी टाइम हाँ ऊपर भी लेट जी नीचे भी लेट जी। अंदाजा इस बार जब कितनी लेडीज होंगी? होंगी जी 10-15 लेडीज जी, नीचे भी थी जी। अच्छा जो बैरजा टूटने का मेन कारण यू होगा भाई, इसके ऊपर ज्यादा लेडीज आ गई थी, वजन का कारण टूट गया कोई? पहले ही थोड़ा कंडम था यू? पहला भी कंडम था जी, और वजन आने के बाद भी टूट गया। वजन आने के बाद भी हुआ जी। अच्छा कितने को चोट आई है? 25-30 बंदा के जी। 25-30? हां जी। कोई ऐसा भी जिसको दो ज्यादा थोड़ा गहरी कंडीशन? हां जी रोहतक पीजीआई में जी। हाँ जी। अच्छा की और तो अगर बातचीत हो तो ये किस प्रकार की हालत में हुआ? मैं भी कंडीशन खराब है जी उनकी। कंडीशन खराब है? हाँ जी बहुत ज्यादा खराब है जी भाई। वैसे तो देखे जो पूरा का पूरा मकान इनका नीचे एक बार फर्श दिखाई दे, यूं भी मकान वैसे मजबूत नहीं है, किसी भी टाइम कुछ भी हादसा हो सका है। और फिलहाल एक बार बाहर की भी तस्वीरें अपना दिखाई दें, देख लो यहाँ पर ये चल रहा है काम। और यू बैरजा था वह, फिलहाल इस बैरजा के ऊपर महिलाएं थी जिसे ज़्यादा संख्या होने के कारण यू बैरजा टूट गया है, क्योंकि थोड़ा कंडम भी था। और फिलहाल एक बार तस्वीरें दिखाई दो, अब इस बैरजा को इस मकान से अलग करने लग रहे हैं। और थोड़ी बात इन तक करांगे। ये पहले बना रखा था जी, ये मेरे चाचा का था जी। और वो छज्जा अलग डाल लिया था? हाँ जी। अच्छा तो कितने के लोग और कितने के लड़कियां उसपे बैठ खड़ी हुई थी दुकान देखने के लिए? जी कुछ नीचे थी कुछ ऊपर थी जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा कितने के लोग घायल हुए? कितने? 20-25 हैं जी। अच्छा हाँ जी। तो कुछ पहले भी हादसा हुआ है, मतलब कोई ईंट आट गिरी हो? नहीं जी कुछ नहीं जी, एकदम से गिरा। अच्छा इसका कारण क्या है, वजन का या नया जो पुराना है ज्यादा जी? ना जी वजन के कारण भी गिरा जी। वजन के कारण? हाँ जी। अच्छा अरे ये ज्यादा पुराना मकान है जी। अच्छा चलो अब जो ये छज्जा है इसको तोड़ा जाएगा या कैसे क्या करो, क्योंकि हादसा और भी हो सका है इसमें? इसको तोड़ेंगे जी। अच्छा चलो ठीक है। हादसा हो जाता है, अभी जो लेंटर एक साइड में झुका हुआ है तो उसको तोड़ा जा रहा है ताकि दोबारा कोई हादसा ना हो, क्योंकि ये लेंटर अगर पूरा गिर जाता तो कई जान ले सकता था। ये तो फिक्र रहा कि इस प्रकार से जो ये लेंटर है सिर्फ मुस गया और बाकी जो ईंटें गिरी है मिस्त्री छोड़ी है। इसको तोड़ने का इसके टूटने का क्या कारण था, वजन था कैसे क्या? हाँ वजन के कारण, वजन या फिर ये जर्जर हो रहा था? नहीं वजन के कारण टूटा है। वजन के कारण? हाँ। क्या ऐसे तो नहीं टूटना चाहिए, लेंटर तो बहुत होते हैं, छज्जे बहुत होते हैं। लंबाई में था ये? लंबाई ज्यादा थी? कितनी की लंबाई थी? 4 फुट। अच्छा 4 फुट का डाला हुआ था। कोई तो ये भी कह रहा है कि ये पहले अलग से डाला हुआ है? हाँ अलग से पीछे भी। अच्छा बिल्कुल